गेहूं के आटे और चीनी से हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी मिठाई। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चीनी और गेहूं का आटा बहुत ही आसानी से हम सभी के घर में मिल जाता है, तो इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगता है। नमस्कार, मैं पूजा, आप सभी का स्वागत है किचन टू किचन पूजा में। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक कप गेहूं का आटा हमने ले लिया है एक बाउल में। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा एक घोल रेडी करेंगे, बैटर बनाएंगे। एक ही बार में पानी नहीं डालना है, बस थोड़ा थोड़ा आपको डालना है पानी। और इस मिठाई का जो बैटर है ना, हल्का सा गाढ़ा ही रहेगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। ज़रूरत के हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी पानी डालिए और फिर इसका बैटर बना लीजिए। यहाँ पे और थोड़ा मैंने पानी डाला है। और अब जो है इसमें हम डालेंगे चीनी, एक चौथाई कप मैं चीनी डाल दूंगी। और चीनी, पानी, आटे को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बैटर बनके रेडी हो गया है, इसे रखते हैं साइड में। कढ़ाई में मैंने तेल डाल करके बढ़िया से गर्म कर लिया है। तेल को अब गैस का फ्लेम धीमा करना है। तेल को गर्म करने के बाद आपको गैस का फ्लेम धीमा कर लेना है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे एक एक चम्मच, या बड़ा वाले चम्मच यूज़ कीजिए या छोटा वाला, जिस हिसाब, मतलब आपको बड़ा खाना है तो बड़ा चम्मच का इस्तेमाल कीजिए, छोटे छोटे आपको पसंद है तो छोटे चम्मच का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक चम्मच जो है बैटर डाल दिया है और इसे पकने देते हैं हल्का सा। जैसे ये पक जाएगा तो तेल के ऊपर आ जाता है, तो ये पक चुका है। अब एक और चम्मच हम इसमें डाल देंगे, साइड में जगह है तो, और इन दोनों को अच्छे से पकने देंगे। अब इसे हम पलट देंगे और अलटते पलटते हुए इसे हमें पका लेना है। लगभग आपको जो है 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, लेकिन गैस का फ्लेम हाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये फूल चुके हैं अच्छे से, तो बस इसे अब हम निकाल लेंगे और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसी तरीके से सारे को हम फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा बहुत ज़्यादा टेस्टी आटे और चीनी का मिठाई बनकर रेडी है, जो कि एक बार आप बना लेंगे तो बार बार आपका बनाने का मन करेगा। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, जब भी आपका मीठा खाने का मन करे तो इसे बनाइए और एंजॉय कीजिए।